हेलो फ्रेंड्स, मसूरी पहाड़ों की रानी। मसूरी में शाम जैसे जैसे ढलती जाती है, अंधेरा दूर दूर तक फैली पहाड़ियों को अपने आगोश में ले लेता है और इसी अंधेरे में एक वीरान होटल गुमनाम साये के रूप में करवट लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल सवाय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज मसूरी की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार होता हो जाता था, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदने के बाद या फिर कोई शमशान नई चिता सुलगने के बाद। मसूरी के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। होटल सवाय के बारे में ये बातें यूं ही कही सुनी नहीं है। लोगों का मानना है कि इसका ताल्लुक हकीकत से है, एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सवाय दरअसल 19वीं सदी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 12 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सवाय के तर्ज पर खड़ा किया। 121 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉलरूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड रूम, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए ख्वाब के सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा मसूरी संत थी। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसीलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। लेडी गार्नेट ऑर्मे की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या दब गई और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि लेडी गार्नेट ऑर्मे की हत्या कैसे हुई थी। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ल के बाद सवाय की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गार्नेट ऑर्मे का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोगों, डॉक्टर जिसमें ऑर्मे की लाश का पोस्टमार्टम किया था और एक पेंटर जो ऑर्मे के लिए पेंटिंग किया करता था, कि रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद सवाय के दरो दीवार में मनहूसियत सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सवाय के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी की दौलत से खरीदा था। वो सिलसिलेवार कातिल था जिसने बाद में जायदाद की खातिर बीवी की भी हत्या कर दी। रहस्यमय मौतों के बावजूद भी सवाय की कशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सवाय अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में ये वो दौर था जब इन दीवार के पीछे की बातें वही दफन कर दी जाती थी। जो बाहर ले जाता उसका अंजाम मौत होता था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। सवाय से आती कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल की इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यूं तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर खत्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं रह पाया। कहते हैं वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीरानी की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिख जाती है। आज यह होटल पूरी तरह बंद है। माना जाता है कि तब से ऑर्मे की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार को तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लेडी ऑर्मे की रूह का हाथ है। ये थी मसूरी की डरावनी कहानी। अभी तक आपने ऐसी डरावनी जगहों की सैर की जो कि कोई पुरानी इमारत, अस्पताल या जेल थी, लेकिन आज इस नए क्रम में हम आपको कुछ अलग तरह की डरावनी जगह से रूबरू कराएंगे। इस बार की जगह न कोई इमारत है और न ही कोई अस्पताल या जेल, यह एक जहाज है
जो समुद्र के सीने पर दौड़ते दौड़ते ही आत्माओं का बसेरा हो गई। आज हम आपको बताएंगे कैलिफोर्निया के उस विशाल जहाज के बारे में जो अपने आगोश में न जाने कितने मौत को छिपाए बैठा है। यह जहाज कैलिफोर्निया के लॉन्ग के बीच हार्बर पर खड़ी रहती है। इस जहाज का नाम क्वीन मैरी है, जो कि किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी मैरी ऑफ टेक के नाम रखा गया था। इस जहाज का इतिहास जितना रोचक है, उतना ही इसका वर्तमान शानदार है। आज भी लोगों को इस जहाज पर रूहों का आभास होता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं एक शानदार और खौफनाक सफर का, जो कि अपने आप को उस दौर में लेकर जाने में सक्षम होगा। क्वीन मैरी का इतिहास। क्वीन मैरी, जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यह एक शानदार और विशाल जहाज है। यह जहाज एक ट्रांस अटलांटिक समुद्री लाइनर है। इस जहाज का निर्माण सन 1931 में शुरू किया गया था, जो कि 3 सालों के बाद सन 1934 में तय हुआ। यह जहाज एक शानदार विशाल जहाज है और अपने समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से बहुत बड़ा है। 1000 फीट लंबा यह जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया है। क्वीन मैरी 27 मई 1936 को समुद्री परीक्षण के बाद अथाह समुद्र के सीने पर दौड़ने के लिए रवाना कर दिया गया और इसी के साथ शुरू हुआ मैरी का पहला सफर। अपनी पहली यात्रा में ही इस शानदार और विशाल जहाज में सबसे तेज ब्लू अटलांटिक को पार करने का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने समय के सबसे बड़े जहाज का इतिहास और भी भयावह है। आइए सैर करते हैं क्वीन मैरी के बनावट की। क्वीन मैरी की संरचना 1000 फुट लंबी यह जहाज समुद्र की छाती पर एक बड़ा महल जैसा प्रतीत होता है। इस जहाज का इंजन का कमरा पानी में 50 फीट नीचे तक धंसा रहता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है। 5000 से ज्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता रखने वाला यह जहाज कई बड़े युद्धों में हिस्सा बना और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की मदद की। क्वीन मैरी अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार जहाज थी। उस समय सभी लोग इस जहाज की यात्रा करने की चाहत रखते थे। इसी चाहत के कारण लोगों की भारी भीड़ इस जहाज पर आए दिन यात्रा करती थी। इस जहाज पर भारी मशीनरी, कई युद्धों में भाग और लंबी यात्राओं के चलते इस जहाज पर कई घटनाएं हुई, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी इस जहाज उन मौतों और निर्दोषों की चीखों और उनके होने का आभास आसानी से किया जा सकता है। इस जहाज पर कई हादसे हुए जो लोगों की मौत का कारण बने और आज उन मौतों ने रूह के रूप में अब इस जहाज पर कब्जा कर रखा है। आपको कुछ घटनाओं और जगहों के बारे में बताया जा रहा है। एक साथ 300 लोगों की मौत। अपने इसी दौर में यह जहाज मौत की एक भयावह गाथा लिख गया और इस पर सवार लोग इस जहाज पर मौत की आगोश में आते गए। यात्रा के दौरान एक बार क्वीन मैरी अपना रास्ता भटक गई और इस समय अचानक से जल्दबाजी में लाइनरों को बदल दिया गया, जिसके कारण जहाज के 300 से ज्यादा क्रू सदस्य कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये हादसा जहाज के निचले हिस्से में हुआ, जहां इंजन लगा हुआ था। आज भी इंजन वाले तल पर कई ऐसी जगह है जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इस तल पर आज भी उन क्रू के कर्मचारियों की चीखें सुनाई देती है। इसके अलावा कभी कभी कोई मशीनें अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण अकेले इस तल पर रहने वाले लोगों के साथ आज भी हादसे हो जाते हैं। कर्मचारियों की मौत के बाद से ही यहाँ पर पानी में पतवारों की भी आवाजें आती है और एक साथ सैकड़ों लोगों की बचाने की आवाज तो लोगों को मौत का अनुभव करा देती है। कैप्टन ट्रीजर जोन्स क्वीन मैरी का आखिरी पायलट था, जिसकी मौत जहाज पर ही हो गई थी। उसके मौत के पीछे का क्या कारण था, इसका पता तो आज भी नहीं लगाया जा सका है, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि उसने जहाज के अपने कमरे में कई बार ऐसी रूहों को देखा था और कई बार उसे अकेले में बात करते हुए भी देखा गया था। सबसे रोचक बात यह है कि जोन्स हमेशा सिगार पीता रहता था और आज भी जहाज में उसके कोट में उसके सिगार की खुशबू आती रहती है। सफेद महिला और उसका साया। इस जहाज पर एक सफेद महिला की रूह को कई बार लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि इस जहाज पर एक ऐसी महिला यात्रा कर रही थी जिसे सफेद वस्त्र बहुत पसंद थे और हमेशा सफेद कपड़ों में ही रहती थी। वो महिला जहाज पर अकेली आई थी।
और आए दिन वो अकेले ही एक मधुर संगीत पर डांस करती रहती थी। एक दिन उसका शव स्विमिंग पूल के पास पड़ा मिला। आज भी लोगों को वो महिला किसी भी दरवाजे के कोने में अकेले डांस करती हुई दिख जाती है। लोगों का मानना है कि उसका चेहरा बहुत ही भयावह है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में एक और हादसा हुआ था। इस पूल में दो अन्य लड़कियों की डूबकर मौत हो गई थी। इस स्विमिंग पूल में आज भी लोगों को अचानक ही पानी में किसी के गिरने या फिर लोगों को डूबने का एहसास होता है। इस एक समय हादसे के चलते इस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। एक महिला ने बताया था, वो जब पानी में नहा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पानी में खींच रहा है। बहुत ही मुश्किल से वो पुल से बाहर निकली और जब वे बाहर निकल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे दो और पैरों के निशान पड़ रहे थे। इतना देखकर वो वहां से भाग निकली। लोगों को बाद में बुलाया गया तो अन्य लोगों ने भी इस बात को माना। इस जहाज पर एक ऐसी महिला थी जो कि गर्भवती थी और उसने जहाज पर ही एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। वो महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर अक्सर प्लेरूम में जाया करती थी, जहां पर पहले से मौजूद बच्चे उस छोटे बच्चे के साथ खेला करते थे। लोगों का मानना है कि उस बच्चे की मौत के बाद से वहां खेलने वाले बच्चों की मनोवृत्ति बदल गई और वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। एक बार एक 9 साल के बच्चे ने अपनी ही उम्र के एक बच्चे को चाकू मार दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आज भी इस कमरे में बच्चों का शोर और उनकी रोने की आवाजें सुनाई जाती है। कई बार होने वाले इन हादसों की वजह और इस जहाज के प्रेत बाधित हो जाने के कारण लोगों ने इस जहाज पर यात्रा करना कम कर दिया। इस जहाज पर आज भी उन मौतों को, विशेषकर उस सफेद महिला को, जो जहाज के किसी भी हिस्से में महसूस किया जा सकता है। क्वीन मेरी को 16 सितंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया में बेच दिया गया। 9 दिसंबर 1967 को यह जहाज कैलिफोर्निया पहुंचा। मई 1971 में इस जहाज को दोबारा खोला गया, जो कि आज भी है। अब यह जहाज एक शानदार होटल में तब्दील हो गया है, लेकिन रूहों का कब्जा आज भी इस जहाज पर है। ये थी क्वीन मेरी शिप की कहानी। दुनिया भर में लोगों के जहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत, खंडहर आदि को देखकर एक अजीब एहसास तो जरूर होता है। जहां भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का भी दावा करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत है। लेकिन ये सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ न कुछ इतिहास होता है। और जहां तक रही बात भूत, प्रेत या रूहों की, तो वो भी हम इंसानों की तरह इस वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है तो उनका रहने का तरीका। एक ऐसी इमारत जो जीत की निशानी के तौर पर बनी लेकिन मौत का महल बन गई। लंदन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत की भी अपना एक अलग इतिहास है और कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी ऐसी वारदातें हुई है जो आज तक महसूस की जाती है। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे यह भव्य इमारत स्थित है। इस इमारत का निर्माण सन 1078 में विलियम ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब यह ब्रिटेन का शाही महल था। और आपको बता दें कि अपने दौर में यह इमारत राजसी बंदियों के लिए कारागार भी थी और यह महल अनेक मृत्युदंड और हत्याओं का साक्षी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के ही खून के छींटे हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत, प्रेत और रूहों का नाम दे देते हैं। इस इमारत में सिर कलम करना भी एक सजा के तौर पर प्रयोग की जाती थी। हेनरी अष्टम, जिसका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था,
एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक जो कि अपने जन्म से लेकर अपने मौत तक लंदन का शासक बना रहा। पावर ऑफ लंदन में इस शासक के कारनामे बहुत थे, लेकिन जो अविस्मरणीय था वो कुछ ऐसा था। हेनरी अपने जन्म के बाद समयानुसार बड़ा हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी और तेज था। वे लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य के दावेदार थे। हेनरी हाउस ऑफ ट्यूडर के द्वितीय राजा थे, जो कि अपने पिता हेनरी सप्तम के बाद इस पद पर आसीन हुए। अपने 6 विवाहों के अलावा हेनरी अष्टम चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी। हेनरी की पहली पत्नी एनारान की कैथरीन थी और दूसरी पत्नी मशहूर एनी बोलिन थी। हेनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानी बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलिन गर्भवती थी, लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूर्व की भांति इस बार भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलिन का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा, और उसने एनी को मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया और ग्रीन टावर पर घुटने के बल बैठ गई और एक बड़े से फरसे से उनका सिर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद भी हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। चौकीदार के अनुसार 12 फरवरी सन 1957 में सर्दियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साये को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की ही तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तारीख भी वही थी, यानी कि 12 फरवरी, जो कि सन 1954 में थी, और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्रे का सिर कलम करवाया था। इसके अलावा एनी बोलिन और लेडी जेन ग्रे अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखी जाने लगी। हेनरी अष्टम के इस खौफनाक कारनामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया, वही इस इमारत को एक अविस्मरणीय इतिहास भी दे दिया। एनी बोलिन और जेन ग्रे के अलावा भी अन्य कई लोगों की रूहें इस टावर में बेखौफ घूमती रहती है। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर आरोप था उसने बही खातों के साथ छेड़छाड़ की थी, इसीलिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। वो कर्मचारी आज भी इस टावर के प्रशासनिक भवन में उसे देखा जाता है। उसका शरीर क्षत विक्षत होता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांधकर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी तृतीय को नॉर्वे के राजा के उपहार के रूप में एक ध्रुवीय भालू दिया था। इस भालू को टेम्स नदी के किनारे से मछलियों को खाना दिया जाता था। कुछ सालों के बाद उसे महल से हटा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज भी इस टावर में कभी कभी परिसर में इस भालू की छाया को घूमते हुए देखा जाता है। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी बड़ी इमारत के संरक्षक भला कौवे कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन ये टावर अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। इन कौवों की स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। ये कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं और इनमें से एक की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। इमारत के कैदी और यातनाएं, यह इमारत हजार कैदियों, उनकी सजा और उनके मौत की गवाह है। यहाँ हम आपको कुछ खास कैदियों के नाम बता रहे हैं, जो कि आज से लगभग 900 साल पहले इस इमारत की जेल में बंद थे। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था, जैसे कि रेनॉल्ड फ्लेमबर्ड, जो कि एक मंत्री थे, स्कॉट के राजा जॉन बलियोल, जॉर्ज ड्यूक राजा का भाई, एडवर्ड पंचम राजकुमार, एनएएसक्यू महिला कैदी, हीव ड्रेपर जादूगर, जॉन गेरार्ड संत,
सर वॉल्टर रालेक दरबारी कवि, सर एवरार्ड डिग्बी महान कैथलिक। ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस इमारत में अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया था। इमारत में कैदियों के साथ भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों के जिंदा जलाया जाता था और उनके शरीर को टुकड़ों में काट काट कर फेंक दिया जाता था। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन रूहों को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। यह इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए सक्षम है। इस टावर की अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपको पूरी जानकारी देगी। ये थी टावर ऑफ लंदन की कहानी। भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुगलों के भारत में जीवन अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों इमारतें बनाई। उन्हीं में से एक हवेली है जीनत महल की हवेली, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत महिला के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेतों का वास मिलेगा। इस हवेली को इसे सुनने से पहले शायद आपसे कोई पूछता क्या आपको मालूम है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है कि आपका जवाब नहीं में होता। इतिहास की किताबों में खोजने पर भी शायद ये जानकारी नहीं मिले, लेकिन ये सच है कि मुगलों द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में इस सबसे आखिरी इमारत है। इसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मेहरोली में मुगलिया दौर की आखिरी इमारत दिल्ली के मेहरोली इलाके में है। ये साउथ दिल्ली में आता है। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। हवेली में दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 6 साल बाद यानी 1846 में इस हवेली का निर्माण कराया गया। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के लिए बनवाई गई थी। जीनत जब हवेली में दाखिल होती थी तब शहनाइयां बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जीनत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। 1886 में जीनत का रंगून बर्मा में निधन हो गया। उसके बाद बहादुर बादशाह जफर ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। ये नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखाने में डाल दिया। कई लोगों की माने तो यहाँ पर भूत प्रेत को देखा गया है। कई महीनों तक लाशें यही पर सड़ती रही। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियां सुनाई देती है। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से भी डरते हैं। 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद इस हवेली के सौंदर्यकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर हैरानी होती है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। अगर हो तो पर्यटक इसे देखना चाहेंगे। जीनत महल उसी इलाके में जहां पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान है। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा गेट है, लकड़ी का गेट बंद रहता है। ये थी साउथ दिल्ली के जीनत महल के भूत की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन फ्री में है। धन्यवाद।